जनदर्शन के तहत भीकन गांव पहुंचने पर नगरवासियों ने सड़क के दोनों ओर खड़े होकर किया पुष्प वर्षा से किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत। खरगोन जिले के भीकन गांव में 27 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जनदर्शन के तहत भीकन गांव पहुंचने पर नगरवासियों ने सड़क के दोनों किनारों पर खड़े होकर भवनों के ऊपर से पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भांजे भांजियों दीदियों के अनुरोध पर अपना वाहन रुकवाकर उनके साथ आत्मीय भरा संवाद किया। स्थल पर पहुंचकर सीएम ने नगर परिषद भीकन गांव के 16 करोड़ 15 लाख विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन के कार्य के पूर्व शहीद चंद्रशेखर आजाद की आदमकद मूर्ति पर अपना श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। स्थानीय प्रतिनिधि नागरिकों की मांग पर विकास की कई घोषणा की। मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री भी कमल पटेल, क्षेत्रीय सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल भी थे। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने भीकनगांव के नागरिकों द्वारा 100% वैक्सीनेशन करवा लेने पर उनका आभार व्यक्त किया। नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल में परिवर्तित करने, ग्रामीण क्षेत्र को जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल जल से पहुंचाने के लिए 59 करोड़ रुपए की योजना की, नगर की सड़कों, नगर परिषद का भवन, रैन बसेरा, महाविद्यालय में बीकॉम, बीएससी, एमए की क्लास प्रारंभ करवाने, नगर में बनने वाले सुंदर बगीचे का नाम स्वर्गीय नंदू भैया के नाम पर रखने की घोषणा की। साथ ही किसान जनप्रतिनिधियों द्वारा प्याज के शेष अंतर योजना की राशि दिलाने की मांग पर उसे परीक्षण करवाकर पूरे करने का आश्वासन दिया। नायब तहसीलदार ममता मेम्ब्रॉड, तहसीलदार देवकुंवर सोलंकी की शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर और कमिश्नर को स्वयं जांच कर उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष दीपक ठाकुर, उपाध्यक्ष ज्योति नकुल कापसे, नगर परिषद सीएमओ मोहन सिंह अलावा सहित नगर परिषद के सभी पार्षद और कर्मचारी उपस्थित थे। अब मैं इसलिए माफी चाहता हूं कि अगर 15 मिनट के बाद में यहां से नहीं निकला तो हेलीकॉप्टर उड़ने से इनकार करेगा और फिर मुझे पूरी रात रास्ते में सड़क पर चलते हुए जाना पड़ेगा। सड़क पर चलने में दिक्कत नहीं, अभी भी सड़क से आ रहा हूं, लेकिन कई जरूरी मीटिंग जनता के लिए मैंने रात में भी रखी है। मामा दिन और रात काम करता है, तो दिन में यहाँ कार्यक्रम कर लिया, रात में मैं वहां जाके काम करूंगा। भाई धूल सिंह डाबर जी हमारे, अब कोई भूल चूक माफी ज्यादा समय की कमी के कारण मैं सबका नाम नहीं ले रहा। आज यहाँ तक जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिला है वो सचमुच में अद्भुत है। रास्ते में गांव गांव में जल्दी करने के बाद भी देर लगी, मैं जिनसे ढंग से कहीं अगर नहीं मिल पाया होगा तो मैं दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मेरी जिंदगी केवल आपके लिए और जनता के लिए है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब दर्शन यात्रा लेकर भीकनगांव पहुंचे, किस तरह की मांगे थी आपकी? जननायक प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने यहाँ भीकनगांव मंच पर हमारा एक गौरवमय, हमारा बहुत, हम इसको अपने आप को गौरव ताली क्षण मानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज ने भीकनगांव नगर के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा के साथ साथ में इस नगर परिषद के 6 करोड़ 15 लाख रुपए के भूमि पूजन के अंदर कार्यक्रम के अंदर शिरकत की और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाते हुए इस नगर को जो हमारे 6 करोड़ रुपए के लगभग की पेयजल पाइपलाइन है, जो अपर वेदा से फिल्टर प्लांट तक की, उसके अलावा 2.5 करोड़ रुपए के जो डामर डलना है, उसके अलावा हमारी जो शेष मांग थी उनके लिए भी राशि के लिए यहाँ पर उन्होंने घोषणा की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय आभार करता हूँ मेरी ओर से, परिषद की ओर से। नगर की मांगों के अलावा क्षेत्र की मांगें भी रखी गई हैं, इस प्रकार से आपका आश्वासन मिला? बिल्कुल, क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमने कहा कि जो उद्यमन सिंचाई योजना है, स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, जो पेयजल पाइपलाइन हमारी 745 करोड़ रुपये की डल रही है और उसके पाइप बिछ रहे हैं कहीं ना कहीं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष स्नेह था और हमारे माननीय श्रद्धेय नंदू भैया का सार्थक प्रयास से उसके पीछे, तो उनका उस उद्यमन सिंचाई योजना का नाम माननीय नंदू भैया के नाम से हो, ये हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से रखा था और उन्होंने उसकी घोषणा की। भीकनगांव में विगत कई वर्षों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल बनाने की मांग की जा रही थी। बिल्कुल, यह तो भीकनगांव नगरवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए सब ऐतिहासिक क्षण, बहुत अनेकों सौगातें लेकर आया आज का दिन। निश्चित रूप से मैं सभी को बधाई देता हूं, नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को, और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। खबर भारतवर्ष के लिए भीकनगांव से विकास श्रीवास की रिपोर्ट। अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।